Hello students, this is eYouTube English and I welcome you all to my YouTube channel. Today we are going to study a lesson for the students of class 10th and this is the 9th chapter of your Footprint Without Feet book. Aur is chapter ka title hai Bholi. So here I am telling you that Bholi is a Hindi word that means innocent. To sidhi sadhi. To isme ek ladki hai जिसका नाम आगे चल के पता चलेगा कि उसका नाम क्या है, तो उसका जो कैरेक्टर है उसका उस चीज़ को बता रहा है ये भोली नाम. ये भोली उसके कैरेक्टर को ही रिलेट कर रहा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट लड़की है, बहुत ज़्यादा सीधी सादी है, इस वजह से इस चैप्टर का टाइटल पड़ा है भोली. तो यहाँ पर इस चैप्टर के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है. फ्रॉम अ वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज अ नेगलेक्टेड एट होम. तो बचपन से ही भोली को उसके घर में नेगलेक्ट किया जाता था, यानी उसे इग्नोर किया जाता था. वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर. तो फिर जो उनकी टीचर है, यानी जो भोली की टीचर है, यहाँ पर जो हर है ये भोली को रेफर कर रहे हैं, तो जो भोली की टीचर है वो स्पेशल इंटरेस्ट क्यों दिखा रही है भोली में, इस सवाल का जो जवाब है वो हमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मिलेगा. डिड भोली मेजर अप हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन. क्या भोली जो उसकी टीचर की एक्सपेक्टेशन है, जो आशाएं हैं, उसे पूरा करेगी, उनकी आशाओं के ऊपर खड़ी उतरेगी? तो ये दोनों जो सवाल का जवाब है ये हमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मिलेगा. और नीचे कुछ और क्वेश्चंस दे रखे हैं, दो क्वेश्चंस हैं जिसके भी जवाब आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ही मिलेगा. मैं इसके हिंदी बता देता हूँ एक बार. वाई इज़ भोलीज़ फादर वरीड अबाउट हर. भोली का पिता, उसके जो फादर हैं, वो भोली के लिए क्यों परेशान हैं? सेकेंड क्वेश्चन है, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीज़न इज़ भोली सेंट टू स्कूल. वो कौन सा अनयूजुअल रीज़न था जिसके वजह से भोली को स्कूल जाना पड़ा? अब हम इस चैप्टर में आते हैं. हर नेम वॉज सुलेखा. तो यहाँ पे जो हर है ये हर भोली को ही रेफर कर रहा है और इसका नाम है सुलेखा. मतलब यहाँ पे जो भोली है, इस चैप्टर का जो नाम भोली पड़ा है, तो एक्चुअल में जो भोली है यानी जो इनोसेंट लड़की है उसका नाम है सुलेखा. बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलेटन. तो बचपन से ही सब कोई भोली को उसके नाम सुलेखा से नहीं बल्कि भोली नाम से बुलाया करता था. सी वॉज फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. तो नंबरदार यहाँ पे होता है जिसको आप टैक्स कलेक्टर कह सकते हो या फिर रेवेन्यू कलेक्टर कह सकते हो, पहले के टाइम में हुआ करता था, उसको बोलते हैं नंबरदार. तो यहाँ पे जो सी है, ये सी भोली को ही रेफर कर रहा है. तो कह रहा है कि ये जो भोली है ये चौथी बेटी थी रामलाल की. अब ये जो रामलाल है, ये रामलाल भोली के फादर हैं. व्हेन सी वॉज 10 months ओल्ड सी हैड फॉलन ऑफ द कॉट ऑन हर हेड एंड परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन. तो जब भोली यानी जब सुलेखा 10 महीने की थी, तब वह कॉट पर से, कॉट का मतलब होता है खाट, आप यहाँ पर देख सकते हो ये है खाट, तो ये कॉट पे से गिर गई थी और गिर जाने के बाद इसके सर में बहुत बड़ा डैमेज आया था, सर के कुछ पार्ट में डैमेज आया था और उस डैमेज की वजह से उसका ब्रेन ढंग से काम नहीं करता था, यानी उसके ब्रेन में भी थोड़ी डैमेज आई थी सर में चोट लगने की वजह से. डैट वॉज वाई सी रिमेंड अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू नोन एज भोली द सिंपलटन. और इसी के वजह से ये जो चाइल्ड है यानी ये जो सुलेखा है, ये बहुत पीछे रहेगी और अपने उम्र के बच्चों से, और इसी वजह से इसका नाम भोली पड़ गया. मतलब इसको भोली बुलाने का जो रीज़न था वो यही था कि इसके बचपन में जब 10 महीने की थी तब इसके सर में चोट लगा बेड से गिरने की वजह से और उसका ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया, तो इसलिए आम लड़कियों से थोड़ी डिफरेंट थी, सीधी सादी थी, भोली भाली थी, इसलिए इसका नाम भोली पड़ गया. एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी. जन्म के समय ये जो बच्ची है यानी ये जो सुलेखा है, ये बहुत ज़्यादा फेयर थी, बहुत ज़्यादा प्रिटी थी. बट व्हेन सी वॉज 2 years old, लेकिन जब वह 2 साल की हुई,
सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तब उसे स्मॉल पॉक्स हो गया। ओनली द आईज वर सेव्ड बट एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाई डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। अब ये पॉक मार्क्स, चिकन पॉक्स होने के बाद ये जो मार्क्स रह जाते हैं, ये जो निशान रह जाते हैं, आप देख सकते हो ये जो चिकन पॉक्स के निशान रह जाते हैं, इसे कह रहा है पॉक मार्क्स। चिकन पॉक्स हो जाने के बाद सुलेखा का सिर्फ आँख ही सेव था, यानी आँख ही बचा था, बाकी इसकी इंटायर बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी डिसफिगर्ड हो गई थी। सारे बॉडी में इसके ब्लैक कलर के चिकन पॉक्स के मार्क्स दिख रहे थे, यानी उसके निशान दिख रहे थे कुछ इस तरह से। सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल सी वॉज फाइव, 5 साल के एज तक सुलेखा ने कुछ नहीं बोला था। एंड वेन एट लास्ट सी लर्न टू स्पीक सी स्टैमर्ड, स्टैमर्ड का मतलब होता है लड़खड़ा के बोलना या हकला के बोलना। तो जब वह बोलना शुरू किया, यानी 5 साल तक तो ये कुछ बोली नहीं, और जब ये 5 साल के बाद बोलना सीखी तो ये बहुत स्टैमर करती थी, बहुत हकलाती थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर, तो जो बाकी के बच्चे थे वो इसकी वजह से, इसके हकलाने की वजह से इसका मजाक बनाते थे, और इसके हकलाने के तरीकों को ये मिमिक करते थे। मिमिक का मतलब होता है कॉपी करना, तो और बच्चे इसको चिढ़ाते थे, इसकी आवाज़ को कॉपी करते थे। एज रिजल्ट सी टॉक्ड वेरी लिटिल, और इस वजह से जो भोली है ये बहुत कम बात किया करती थी। यहाँ पर जो सी है ये सुलेखा को ही रेफर कर रहा है, आप इसको भोली भी कह सकते हो। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, तो सुलेखा का जो फादर है रामलाल, उसके 7 बच्चे थे, 3 sons and 4 daughters, जिसमें से 3 बेटे थे और 4 बेटियाँ थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और उन सब में जो सबसे छोटी थी वो भोली ही थी। इट वॉज़ ए प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देर वॉज ए प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। प्रॉस्परस का मतलब होता है रिच, तो ये फार्मर फैमिली से बिलोंग करती थी भोली, और ये बहुत ज़्यादा रिच थे ये लोग, और इतने पैसे इसके पास थे कि अच्छे से भर पेट खा सकती थी और अच्छे से पी सकती थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर वेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, सारे बच्चे यानी रामलाल के जितने 7 बच्चे थे, 7 के 7 में से सारे बच्चे ठीक थे, सब लोग हेल्दी थे और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, सिर्फ भोली को छोड़कर। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस, तो जो रामलाल के बच्चे थे और सुलेखा का जो भाई था, इनको सबको शहर के स्कूल में भेज दिया गया था पढ़ने के लिए, और वहाँ से पढ़ लेने के बाद इन्हें कॉलेज में भेज दिया गया। ऑफ द डाउटर्स राधा द एल्डेस्ट, सारे बेटियों में राधा सबसे बड़ी बेटी थी, हैड ऑलरेडी बिन मैरिड, जिसकी पहले से ही शादी हो गई थी। द सेकेंड डाउटर मंगला मैरिज हैड ऑल्सो बिन सेटल्ड, और जो दूसरे नंबर की बेटी थी जिसका नाम मंगला है, उसकी भी शादी सेटल हो गई थी। एंड वेन डैट वॉज डन, और जब उसकी शादी कर दी गई, यानी मंगला की शादी कर दी गई, रामलाल वुड थिंक ऑफ थर्ड चंपा, तो रामलाल ने अपनी तीसरी बेटी जिसका नाम चंपा है उसके बारे में सोचने लगा, उसकी शादी के बारे में सोचने लगा। दे वर गुड लुकिंग, अब जो यहाँ पे दे है ये सब उन लड़कियों को रेफर कर रहा है जो सुलेखा की बहनें हैं, राधा, मंगला और चंपा, तो ये सारे लोग बहुत ही गुड लुकिंग थे, अच्छी दिखती थी, हेल्दी थी। एंड इट वॉज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फॉर देम, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी थी, ठीक ठाक हेल्दी थी और अच्छी दिखती थी, इस वजह से इनके लिए अच्छे लड़के ढूंढना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके 4 बेटियों में जो भोली है वो सबसे छोटी थी और वो सबसे अगली थी, अगली फेस थी, इस वजह से रामलाल को भोली के लिए बहुत ज़्यादा चिंता लगी रहती थी, क्योंकि ये दिमाग से भी कमज़ोर थी और फेस से भी इसके कुछ खास अच्छे नहीं थे। सी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, ना भोली अच्छी दिखती थी ना ही उसके पास इंटेलिजेंस थी। अब जो यहाँ पर सी है ये भोली को ही रेफर कर रहा है। भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड, जब मंगला की शादी हुई तो भोली 7 साल की थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपेंड इन देयर विलेज, और उसी साल जिस साल भोली की बहन मंगला की शादी हुई, उसी साल भोली के गांव में प्राइमरी स्कूल खोला गया था जो सिर्फ लड़कियों के लिए था। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी,
जो तहसीलदार है ये कलेक्टर को कहा जाता है, जिसको अभी के टाइम में हम लोग डीएम कहते हैं, वो उसी तरह का पोस्ट हुआ करता था पहले के टाइम में, जिस पोस्ट का नाम था तहसीलदार। तो ये जो तहसीलदार है ये आए थे स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी में। ही सेड टू रामलाल, यहाँ पर जो ही है ये तहसीलदार को ही रेफर कर रहा है। तो तहसीलदार ने रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशल, जैसा कि तुम एक रेवेन्यू ऑफिसर हो, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट, तो तुम एक गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हुए इन द विलेज, इस गांव में। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, इसलिए तुम्हें इन विलेजर्स के लिए कुछ एग्जाम्पल्स सेट करने चाहिए, मतलब इन विलेजर्स के लिए कुछ करना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल, तुम्हारी बेटी को स्कूल भेजो। डैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ सी क्राइड, तो जिस दिन को ये तहसीलदार से बात हुई रामलाल की स्कूल के बारे में, उसी रात रामलाल ने अपनी वाइफ से इस बारे में कंसल्ट किया और उसकी वाइफ ने चिल्ला के कहा, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो, इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, अगर लड़कियां स्कूल जाएगी तो उनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओवे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार की बात को ना माने। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, तो लास्ट में हिज वाइफ यानी उसकी बीवी, यहाँ पर जो हिज है ये रामलाल को रेफर कर रहा है, तो रामलाल की वाइफ ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना चाहिए। यहाँ पे आई रामलाल की वाइफ को रेफर कर रहा है, सेंड भोली टू स्कूल, तो रामलाल की वाइफ कहती है कि भोली को स्कूल भेज दो, एज इट इज़ देयर अ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि उसकी बहुत कम चांस है कि उसकी शादी भी होगी। तो पहले के टाइम में शादी को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता था इन कंपैरिजन विद की पढ़ाई, तो यहाँ पे इसी वजह से ही यहाँ पे रामलाल की वाइफ ने कहा है कि अगर लड़कियाँ स्कूल जाएगी तो उसे शादी कौन करेगा, तो शादी को ज़्यादा प्रेफर किया जाता था पढ़ाई के कंपैरिजन। और क्योंकि भोली गुड लुकिंग भी नहीं थी और ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं थी, तो भोली के पेरेंट्स को भी लगता था कि इसकी शादी होने की तो चांस कम है, इस वजह से इसको स्कूल भेज दो, और ऐसे तहसीलदार की बात भी रख ली जाएगी और इनको इनके भोली से छुटकारा भी मिल जाएगा। विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, तो ऐसा इसलिए कह रहे थे इसके मदर क्योंकि इसका जो फेस था वो बहुत ज़्यादा अगली था, भोली का फेस बहुत ज़्यादा अगली था और इसके सेंस भी नहीं थे, इसे उतने इंटेलिजेंस भी नहीं थे, तो इस वजह से बहुत कम चांस था कि भोली की शादी होगी, और इसलिए भोली की माँ ने कहा कि भोली को स्कूल भेज दो, लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, और फिर कहते हैं कि उनके टीचर्स ही जो होंगे स्कूल में उनकी चिंता करेंगे, फिर हम लोग टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो यहाँ तक आपका ख़त्म हो चुका है, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए रखे हैं जिसके मैं आपको फिर से हिंदी बता दे रहा हूँ। डज भोली इन्जॉय हिज फर्स्ट डे एट स्कूल, क्या भोली ने अपने स्कूल का पहला दिन इन्जॉय किया। सेकंड क्वेश्चन है, डज सी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम पीपल एट होम, क्या उन्होंने अपने टीचर में कुछ अलग पाया जो उनके घर पर रहते थे, जैसे लोग उनके घर पर रहते थे उनसे कुछ अलग था उनके टीचर में। तो ये दो क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसके आंसर आपको जब मैं ये पढ़ाऊंगा तब मिलेगा, और ऊपर जो मैंने बता रखा है इतने सारे, इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया था जिसके हिंदी, उसके आंसर इन सब में से थे, तो आप इन सब में से उसके आंसर्स फाइंड कर लेना, और अभी मैं ये बताऊंगा तो इसके आंसर्स इसमें मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट है, द नेक्स्ट डे रामलाल काउट भोली बाय द हैंड एंड सेड, तो अगले दिन रामलाल ने भोली के हाथ को पकड़ा और कहा, कम विदवी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। यहाँ पे आई जो है ये रामलाल को ही रेफर कर रहा है। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली बहुत ज़्यादा डर गई ऐसा करने के बाद, सी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक, तो भोली को बिल्कुल भी नहीं पता था कि स्कूल किस तरह का होता है। सी रिमेम्बर्ड हाउ A few days ago, their old cow, Lakshmi, had been turned out of the house and sold. तो भोली को सिर्फ इतना ही पता था, कुछ दिन पहले की बात है जो इसके घर पे हुआ था वो ये हुआ था कि इसके पास एक ओल्ड काउ था जिसका नाम था लक्ष्मी, तो उसे घर से निकाल के और बाहर बेच दिया गया था। तो आप देख सकते हो कि भोली कितने ज़्यादा इनोसेंट है, इसे बिल्कुल भी नहीं पता है
कि स्कूल क्या होता है और इसके फादर इसे स्कूल ले जा रहे हैं। इसे सिर्फ इतना पता है कि एक दिन पहले इसके जो डोमेस्टिक काउ थी जिसका नाम लक्ष्मी था उसे ले जाके बाहर बेच दिया गया था। तो भोली भी अपने बारे में ऐसा सोच रही कि कहीं इसे भी ले जाके इसके फादर इसे बेच ना दें। नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। आप यहाँ पे देखो नन 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 नो 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 है, ये मैंने आपको पहले बताया कि भोली हकला के बात करती थी, ये ढंग से बोल नहीं पाती थी तो इसलिए नो कह रही है और उससे पहले ये इतने बार नन 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 बोली है। तो ये नो नो कह के और फिर भोली जोर से डर की वजह से चिल्लाती है ना ना कह के और फिर अपने फादर के ग्रिप से जिसके फादर ने हाथ पकड़ के रखा था उनके ग्रिप से अपने हाथ को खींच के छुड़ा लेती है। What is the matter with you, you fool? shouted रामलाल। तो रामलाल चिल्ला के कहता है कि क्या बात है, बेवकूफ़ हो क्या तुम। अब जो यहाँ पे यू है और ये यू है, ये दोनों यू भोली को ही रेफर कर रहा है। I'm only taking you to school। और फिर रामलाल कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल ले जा रहा हूँ। यहाँ पर जो आई है ये रामलाल को ही रेफर कर रहा है। Then he told his wife, Let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her? यहाँ पर जो हर है ये भोली को रेफर कर रहा है, अस जो है ये भोली के पेरेंट्स को रेफर कर रहा है। तो जब ऐसा हाथ छोड़ा ली भोली ने और जब उसके फादर ने कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल ले जा रहा हूँ, तो इस बीच उसी के फादर ने भोली के फादर ने भोली की माँ से कहा कि आज के टाइम पे यानी आज के दिन इसे कुछ डिसेंट्स ड्रेस पहना दो, डिसेंट्स क्लोथ यानी नाइस क्लोथ्स, अच्छे कपड़े पहना दो, वरना टीचर्स और वहाँ की जितने भी स्कूल की लड़कियाँ होंगी वो सब हमारे बारे में क्या सोचेंगी जब वह भोली को देखेगी। तो ऐसा भोली के फादर ने भोली की मदर से कहा। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। तो भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं बनाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर। इनकी बहने की जो पुराने कपड़े थे, भोली की जो सिस्टर्स थी उसके पुराने कपड़े थे, वही कपड़े को भोली को दे दिया जाता था। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स। कोई भी भोली के कपड़े को धोना या उसे रफू करना जहाँ पे फटा हुआ है उसे ठीक करना, तो ऐसा कोई भी नहीं करता था उसके कपड़ों के साथ, वो फटे पुराने कपड़े ही पहना करती थी। बट टुडे, लेकिन आज शी वॉज लक्की टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस। वो बहुत ज़्यादा लक्की है, भोली बहुत ज़्यादा लक्की है कि उसे आज साफ कपड़े मिल रहे हैं। विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। तो जो बहुत सारे वॉशिंग के बाद श्रंक कर गई यानी सिकुड़ गई, श्रंक का मतलब होता है सिकुड़ जाना, और अब वही कपड़े वही ड्रेस चंपा को फिट नहीं आता है, तो इस वजह से उस कपड़े को अब भोली को पहनाया जा रहा है। मतलब जो कपड़े पहन के भोली स्कूल जा रही है वो कपड़े चंपा के थे। सी वॉज इवन बाथड एंड ऑयल वर रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर। तो इसको नहलाया भी गया और इसके सूखे हुए बाल में ऑयल भी लगाए गए। ओनली देन डिड सी बिगन टू बिलीव डैट सी वॉज बिंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन होम। और इतना सब होने के बाद जब इसे नहलाया गया, इसके बाल में तेल लगाए गए और इसको अच्छे ड्रेस पहनाए गए, तो इतना सब होने के बाद भोली को ऐसा बिलीव हो गया कि इसे कोई घर से अच्छे जगह पर ले जाया जा रहा है। तब तो इसको घर से अच्छे कपड़े मिले हैं। When they reached the school, जब वो लोग स्कूल पहुँचे, अब यहाँ पर जो दे है ये दे रामलाल और भोली को रेफर कर रहा है। द चिल्ड्रेन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम्स। तो सारे बच्चे पहले से ही अपने अपने क्लासरूम्स में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डाउटर टू द हेड मिस्ट्रेस। रामलाल ने अपने बेटी को उस स्कूल के हेड मिस्ट्रेस को हैंड ओवर कर दिया, लेफ्ट अलोन, और उसे अकेला छोड़ दिया। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लैडन आइस। डरी हुई आँखों से ये जो बेचारी लड़की है, ये जो भोली है, ये डरी हुई आँखों से हेड मिस्ट्रेस की तरफ देख रही थी। देयर वर सेवरल रूम्स, बहुत सारे कमरे थे वहाँ पे।
अब यहाँ पे जो देयर है ये उसी स्कूल की बात हो रही है जहाँ पे रामलाल ने अपनी बेटी को छोड़ा। इन ईच रूम्स गर्ल्स लाइक हर स्क्वाटेड ऑन मैट्स। स्क्वाटेड का मतलब होता है इस तरह से चौकड़ी मार के बैठ जाना, इसको बोलते हैं स्क्वाटेड। तो हर रूम्स में सारी लड़कियाँ इस तरह से अपने अपने मैट्स पे, चटाई पे बैठी हुई थी और बुक को पढ़ रही थी और राइटिंग ऑन स्लेट्स, और स्लेट पे लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड वोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स। तो हेड मिस्ट्रेस ने भोली से कहा कि क्लासरूम के एक कोने में जाके बैठ जाओ। तो उसे एक क्लासरूम दिखाया और कहा कि उसके कोने में जाके बैठ जाओ। तो भोली का अब एडमिशन हो चुका है और उसे हेड मिस्ट्रेस ने उसे क्लासरूम में बिठावे दिया। भोली डिड नॉट नो वट एग्जैक्टली स्कूल वॉज लाइक एंड वट हैपन्ड देयर। भोली को बिल्कुल भी नहीं पता था कि स्कूल में एग्जैक्टली होता क्या है और स्कूल होता कैसा है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। ग्लैड का मतलब होता है जॉय, हैप्पीनेस, खुशी। लेकिन भोली बहुत ज़्यादा खुश थी ये देखकर कि उसी की एज की बहुत सारी लड़कियाँ वहाँ पे प्रेजेंट थी। शी होप डैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। और भोली को ऐसा आशा था कि उन सारी लड़कियों में से कोई एक लड़की तो उसकी फ्रेंड बन ही जाएगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। तो उस क्लासरूम में जो लेडी टीचर थी वो क्लास में कुछ कुछ पढ़ा रही थी लेकिन भोली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब वो और लड़कियों को क्लास टीचर पढ़ा रही थी तो भोली को इस बीच कुछ समझ नहीं आ रहा था। सी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल। तो यहाँ पे जो सी है ये भोली को ही रेफर कर रहा है। भोली दीवार पर लगे कुछ पिक्चर्स को देखती है। द कलर्स फैसिनेटेड हर। तो उन पिक्चर्स के जो कलर्स थे वो बहुत ज़्यादा भोली को फैसिनेट किया, अट्रैक्ट किया। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच तहसीलदार हैड कम विजिट देयर विलेज। तो उस दीवार पे भोली ने एक हॉर्स का पिक्चर देखा जो ब्राउन कलर का था और वो हॉर्स देखने में बिल्कुल तहसीलदार के घोड़े के जैसा था, जैसा कि तहसीलदार उस घोड़े पे चढ़ के आया करता था भोली के गाँव को विजिट करने के लिए। तो आप यहाँ पे इस चीज़ से देख सकते हो कि भोली को कभी गाइडलाइन नहीं मिला है लेकिन जब इसे गाइडलाइन मिला, जब इसे स्कूल भेजा गया तो ऑल्दो वो कुछ नहीं जानती है फिर भी दीवार पे लगी तस्वीर को देख कर वो इतना रिकॉल कर पा रही है कि वो जो घोड़ा है उसी से तहसीलदार का घोड़ा मिलता है, उस पिक्चर वाले घोड़े से। तो आप ये कह सकते हो कि भोली बहुत ज़्यादा डल नहीं है, इसे बस गाइडलाइन की ज़रूरत है। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर। तो वहाँ जो गोट थे, जो बकरी थी वो ब्लैक थी जैसे कि उसके नेबर, उसके पड़ोसी के पास बकरी है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये हर चीज़ को, दीवार पे जितने भी पिक्चर्स लगी है उसको किसी ना किसी से रिलेट कर रही है। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट सी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड का मतलब होता है बगीचा, गार्डन। तो उस दीवार पे पैरट की भी तस्वीर लगी थी जिसे देख के ये मैंगो के ऑर्चर्ड से रिलेट कर पा रही है। मैंगो के जो बागीचे थे उसमें इसी तरह से हरे हरे तोते पाए जाते हैं। एंड द काउ वो जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी। और उस दीवार पे लगी काउ की जो तस्वीर थी वो बिल्कुल उसकी लक्ष्मी की जैसी थी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाई हर साइड स्माइलिंग एट हर। यहाँ पर जो हर है ये भोली को ही रेफर कर रहा है। तो जब भोली ये सारी चीज़ें दीवार पे देख रही थी उसी समय उसने अचानक से देखा कि भोली की जो टीचर है वो उसके साइड पे खड़ी है और उसे देख के स्माइल कर रही है। व्हाट इज़ योर नेम लिटिल वन। तो यहाँ पे जो भोली की टीचर है वो उसके पास खड़ी होकर पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। भो 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 सी कुड स्टैमर नो फर्दर देन डैट। तो एज आई टोल्ड यू कि ये बहुत ज़्यादा स्टैमर करती थी बोलते टाइम। तो जब इसकी टीचर ने इससे इसका नाम पूछा तो इस वक्त भी अपना नाम नहीं बता पा रही है और वह स्टैमर करके कह रही है भ भो भो, और सिर्फ इतना ही ये स्टैमर करके बोल पाई, अपना पूरा नाम भी नहीं बोल पाई। देन सी बिगन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन अ हेल्पलेस फ्लड। और क्योंकि जब ऐसा बोली, ये आधा बोली,
तो इस वजह से इसे थोड़ा, तो जब होली ने अपना नाम को स्टैमर किया और वो बोल नहीं पाई तो वो थोड़ा इमोशनल हो गई है और इसलिए उसकी आंखों से आंसू गिरने लग गए हैं, जैसे कि मानो आंसू की नदियां बह रही हो। सी केप्ट हर हेड डाउन एज सी सैट इन हर कॉर्नर। अब यहाँ पर जो सी है ये भोली को ही रेफर कर रहा है, तो भोली अपने सर को नीचे झुका के बैठी है उसी कोने में जहाँ पे उसकी हेडमिस्ट्रेस ने बिठाया था। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु सी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर। भोली को इतनी भी डेयरिंग नहीं थी, इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह ऊपर देखे उन लड़कियों को जिसे वो जानती है और जो उसके ऊपर हंस रहे थे। तो क्लासरूम में जितनी भी सारी लड़कियां थी वो सब भोली के ऊपर हंस रही थी, उसका मजाक बना रही थी, क्योंकि भोली ठीक से बोल नहीं पा रही थी, वो बोलते टाइम स्टैमर करती थी। व्हेन द स्कूल बेल रैंग, जब स्कूल की घंटी बजी यानी जब स्कूल की छुट्टी हो गई, ऑल द गर्ल्स स्कर्डेड आउट ऑफ द क्लासरूम। स्कर्डेड का मतलब होता है रैन अवे। तो जब स्कूल की छुट्टी हुई सारी लड़कियां क्लासरूम से बाहर भाग गई। बट भोली डेयर्ड नॉट टू लीव द कॉर्नर, लेकिन भोली में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उस कॉर्नर से उठ के जाए। हर हेड स्टिल लोअर्ड सी केप्ट ऑन सॉबिंग। सॉबिंग का मतलब होता है सिसकना। तो जो भोली की हेड है, भोली का जो सर है अभी तक झुका हुआ और वो बहुत सिसक सिसक के रो रही है। भोली द टीचर्स वॉइस वॉज सॉफ्ट एंड सूदिंग। सूदिंग इज पोलाइटली। तो जो टीचर की वॉइस थी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। टीचर ने भोली के नाम से उसे बुलाया और उसकी बहुत पोलाइटनेस थी टीचर की आवाज़ में, उसकी वॉइस में। इन ऑल हर लाइफ सी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक डैट। अपने पूरी जीवन में भोली को कभी इतने प्यार से किसी ने नहीं बुलाया था। इट टस्ट हर हार्ट। और जब उसकी टीचर ने इतने प्यार से उसका नाम लिया तो ये चीज़ भोली के दिल को छू गया। गेट अप सेड द टीचर। टीचर ने कहा उठो। इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। भोली गॉट अप। अब जब टीचर ने कहा कि उठो तो वह कोई कमांड नहीं था, वह कोई ऑर्डर नहीं था, उसने बस फ्रेंडली ये बात कही थी और भोली उठ के खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम। और अब टीचर कहती है कि अब अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। अब भोली के पूरे बॉडी से स्वेटिंग होने लग गया था क्योंकि भोली बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी। भोली बोलने के टाइम में स्टैमर करती थी, इस वजह से उसे की पूरी बॉडी में स्वेटिंग होने लग गई। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर। क्या उसकी जो स्टैमरिंग टंग है यानी जो लड़खड़ाती जुबान है वो फिर से भोली को डिसग्रेस करेगा, उसकी इंसल्ट करेगा। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन हाउ वाज शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। अब क्योंकि ये जो वुमन है, ये जो यहाँ जो वुमन है ये टीचर को ही रेफर कर रहा है, तो उसे काइंड बताया जा रहा है, टीचर को काइंड बताया जा रहा है। तो भोली को ऐसा लगा कि ये जो वुमन है, ये जो टीचर, ये बहुत ज़्यादा काइंड है, बहुत ज़्यादा दयालु है, और इस वजह से भोली ने ये डिसाइड किया कि मैं अपना नाम बोल देती हूँ। सी हैड सच अ सूदिंग वॉइस सी वुड नॉट लाफ एट हर। और फिर भोली ने सोचा कि इसकी वॉइस बहुत ज़्यादा सूदिंग है, बहुत ज़्यादा पोलाइट है और इसलिए वह मेरे पे नहीं हंसेगी। और फिर आगे भोली बोलती है भ भ भ भो सी बिगन टू स्टैमर। तो भोली फिर से अपना नाम बताना शुरू कर रही है और नाम बताने से पहले ये वापस से लड़खड़ा रही है। वेल डन वेल डन। द टीचर इनकरेज्ड हर। तो टीचर ने उसे कहा वेल डन वेल डन और इस तरह से कह के भोली को इनकरेज किया। और फिर कहती है कम ऑन नाउ द फुल नेम, और अब मुझे पूरा नाम बताओ। तो फिर भोली कहती है भ भो भोली। तो एट लास्ट सी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। तो लास्ट में बहुत मेहनत करने के बाद अंत में भोली ने अपना पूरा नाम बता दिया और वह ऐसा फील कर रही थी कि वह बहुत रिलैक्स हो गई है और उसे ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट भोली ने पा लिया है। वेल डन द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड। तो टीचर ने कहा वेल डन और ऐसा कह के उसे शाबाशी दिया। और फिर कहती है पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट। अपने दिल से डर को निकाल दो एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स।
और उसके बाद तुम और सारी लड़कियों के जैसे और सारे बच्चों के जैसे तुम भी बोल पाओगे बिना स्टैमर किए। भोली लुकड अप एज इफ टू आस्क रियली। तो भोली ने ऊपर की तरफ देखा, अपने टीचर की तरफ देखा और ऐसे देखा मानो कि वो पूछेगी कि सच में मैं भी और लड़कियों के जैसे बिना स्टैमर किए बोल सकती हूँ। तो ऐसा उसने भोली बोला नहीं है, रियली भोली बोली नहीं है, वह ऐसा प्रेडिक्ट कर रही है, ऐसा उसे देख के लग रहा है कि भोली ये बोलेगी। नेक्स्ट है यस यस इट विल बी वेरी ईजी। तो फिर भोली की टीचर कहती है हाँ हाँ ये बहुत आसान है, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम। और फिर भोली की टीचर उससे कहती है कि तुम बस हर दिन स्कूल आना, क्या तुम स्कूल आओगी। भोली नॉडेड, नॉड का मतलब होता है सर हिला के जवाब देना। तो भोली सर हिला के जवाब देती है नो, से इट अलाउड। तो सर हिला के जवाब हाँ में दी है, तब भोली की टीचर कहती है कि नहीं, सर हिला के नहीं जवाब देना है, जोर से बोलना है। तो भोली फिर कहती है ये यस। एंड भोली हरसेल्फ वाज अस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट। और जब भोली ने यस कहा है तो ये खुद भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई है कि इसने ये बात कह दिया, मतलब इस टीचर के सवाल का जवाब बिना स्टैमर किए दे रही है, बिना नर्वस हुए दे रही है। डिडंट आई टेल यू नॉट टेक दिस बुक। तो इसके बाद ये कहने के बाद टीचर कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना, और फिर उसके बाद उसे एक बुक देती है। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर। तो जो बुक टीचर ने दिया है भोली को उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे पिक्चर्स बने हुए थे और सारे पिक्चर्स में रंग भरे हुए थे, और पिक्चर्स थे डॉग के, कैट के, गोट के, हॉर्स के, पैरट के, टाइगर के एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। और एक गाय की भी तस्वीर थी जो बिल्कुल उसकी लक्ष्मी के जैसे थी। एंड विद एवरी पिक्चर्स वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स। और हर पिक्चर्स के साथ में बड़े बड़े ब्लैक लेटर्स से कुछ वर्ड लिखे थे। तो ये जो वर्ड लिखे थे ये इसी के वर्ड लिखे होंगे, DOG डॉग, CAT कैट, इस तरह के वर्ड लिखे हुए होंगे और बहुत बोल्ड लेटर्स में होंगे जैसे कि बच्चे की बुक में होती है। इन वन मंथ यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। और फिर भोली की टीचर कहती है कि एक महीने के अंदर में तुम इस बुक को पढ़ना सीख जाओगे। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक। और फिर उसके बाद मैं तुम्हें इससे बड़ी बुक दूंगी। मतलब कि जैसे जैसे भोली सीखते जाएगी, चीज़ों को समझते जाएगी, वैसे वैसे टीचर उसे और आगे का बताएगी और इस वजह से उसे बड़ी बुक देगी। देन स्टिल बिगर वन। और फिर कहती है कि उसके बाद उससे भी बड़ी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न्ड देन एनीवन एल्स इन द विलेज। और फिर भोली की जो टीचर है वो उसे इनकरेज करते हुए कहती है कि कुछ ही समय में तुम इस गाँव की सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की हो जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू। और फिर भोली की टीचर ही कह रही है कि उसके बाद फिर कोई भी तुम्हारे ऊपर हंसेगा नहीं। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट। लोग तुम्हारी बात को सुनेंगे और तुम्हारी इज्जत करेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट अ स्लाइटेस्ट स्टैमर। और तुम बिना हकलाए सारी कुछ बोल पाओगी। अंडरस्टैंड, समझ गई। और ऐसा टीचर ने पूछा भोली से। Now go home and come back early tomorrow morning। और फिर टीचर कहती है कि जाओ अब तुम घर जाओ और कल सुबह जल्दी आ जाना। भोली felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of a school house had blossomed in big red flowers। तो जब भोली ने ऐसा किया, जब भोली की टीचर ने इसे इनकरेज किया, उसका मजाक नहीं बनाया, तब भोली को ऐसा फील होने लगा अचानक से कि उसकी गांव की जो मंदिर है वहां की सारी बेल्स एक साथ ही बजने लग गए हैं, और उसके स्कूल का जो हाउस यानी स्कूल की जो बिल्डिंग है उसके सामने जो ट्रीज लगे हैं उसमें बड़े बड़े लाल कलर के फूल खिल लग गए। तो भोली यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हुई है अपने टीचर से बात करके। Her heart was throbbing with a new hope and a new life। भोली यहाँ पे जो हर है ये भोली को रेफर कर रहा है। तो भोली की जो हार्ट है वो अब नए नए आशाओं से और उसकी जो नई लाइफ है उस सब के लिए
थ्रॉब करने लगा, यानी धड़कने लगा है। तो यहाँ पे आपको फिर से कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसके मैं आपको हिंदी बता देता हूँ, और इस क्वेश्चंस के आंसर आपको ये नीचे पढ़ने के बाद मिलेगा जो मैं अभी आपको बताऊँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू भोली पेरेंट्स एक्सेप्ट बिसम्बर्स मैरिज प्रपोजल। भोली के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बिसम्बर्स के शादी के प्रपोजल को क्यों एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका जवाब ये पढ़ने के बाद मिलेगा। सेकेंड है, Why does the marriage not take place? जो प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ दिसंबर का, वो मैरिज यानी वो जो शादी है वो क्यों नहीं हुई, तो इसका भी आंसर हमें नीचे मिलेगा पढ़ने के बाद। Thus the years passed। तो इसी तरह से भोली स्कूल जाते रही, वो पढ़ाई की, और ऐसे करके बहुत साल बीत गए। The village become a small town। और टाइम के अकॉर्डिंग इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी आया, ये जो विलेज था ये अब छोटा सा शहर बन गया था। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल। और वो जो छोटा सा प्राइमरी स्कूल था जिसमें भोली पढ़ी थी वो अब एक हाई स्कूल बन चुका है। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड एंड अ कॉटन गिनिंग मिल। और वहाँ पे अब एक सिनेमा हॉल भी खुल गया है जो एक टिन के शेड के नीचे है, और कॉटन बनाने की मिल भी खुल गई है, मतलब रुई बनाने की मिल भी खुल गई है वहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि टाइम के अकॉर्डिंग इस गांव में इतने सारे डेवलपमेंट आए हैं। द मेल ट्रेन बिगन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन। और वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन भी बन गया है जहाँ पे मेल ट्रेनें जो होती हैं वो रुकती हैं। वन नाइट आफ्टर डिनर, एक रात डिनर के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपने वाइफ से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट दिसंबर्स प्रपोजल। तो क्या अब हम दिसंबर के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लें, ऐसा रामलाल ने कहा अपनी वाइफ से। यस सर्टनली हिज वाइफ सेड। तो उसकी वाइफ कहती हाँ हाँ जरूर, भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। तो ये जो दिसंबर है, ये प्रपोजल जो लेके आया ये भोली के लिए ही लेकर आया था। तो भोली की माँ कह रही है कि भोली बहुत ज़्यादा लकी होगी कि उसे इतना अच्छा एक वेल टू डू दूल्हा मिलेगा। अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन, एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक। तो भोली की माँ कह रही है कि उसके एक बड़े शॉप हैं, खुद का एक घर है, और मैंने कहीं से सुना है कि बैंक में उसके कई हज़ार रुपये भी हैं। मतलब कि ये एक अच्छा वेल टू डू ब्राइडग्रूम इसलिए है क्योंकि इसके खुद के दुकान है, इसका खुद का घर है, और बैंक बैलेंस भी अच्छा है। मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी। और इन सबसे भी जो बड़ी बात है वो ये है कि उन्होंने ही जो है ये ही रेफर कर रहा है दिसंबर्स को। तो ये जो दिसंबर है ये डाउरी के लिए नहीं कहा, यानी दहेज के लिए कोई बात नहीं किया, तो सबसे बड़ी बात ये है, ऐसा रामलाल की वाइफ रामलाल से कह रही है। That's right, but he's not so young, you know, almost the same age as I am, and he also limps। तो यहाँ पे रामलाल कह रहा है कि हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा यंग नहीं है। अब यहाँ पे जो ही है यही दिसंबर को रेफर कर रहा है, तो दिसंबर के बारे में कह रहा है रामलाल कि वो बहुत ज़्यादा यंग नहीं है, वो ऑलमोस्ट यानी लगभग मेरे एज का है। और फिर कहता है कि वो लंगड़ा भी है, चल भी नहीं पाता है ठीक से। मोर ओवर द चिल्ड्रेन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप। और इन सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी जो पहली वाइफ थी उसके जो उससे जो हुए बच्चे थे वो भी अब बड़े हो गए हैं। मतलब कि जो दिसंबर की शादी हो रही है भोली से, ये उसकी सेकेंड मैरिज है। नेक्स्ट है, सो वट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड। तो रामलाल की वाइफ रिप्लाई करती है कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर उसकी बच्चे बड़े हो गए हैं जिससे उसकी शादी हुई थी इससे पहले, या फिर वो लंगड़ा है या उसकी एज ज़्यादा है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। 45 और 50 इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर मैन। और फिर कहती है कि 45 साल या 50 साल एक आदमी के लिए कोई बहुत ज़्यादा एज नहीं होता है। वी आर लक्की डैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड लैक ऑफ हर सेंस।
और फिर कहती है भोली की माँ कि हम लोग बहुत ज़्यादा लकी हैं कि वो इस गांव का नहीं है, दूसरे गांव का है, और इस वजह से उसे भोली के पॉक्स मार्क्स के बारे में नहीं पता है और ना ही उसे ये पता है कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल सी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। और फिर भोली की माँ कहती है रामलाल से कि अगर हम उनकी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो सारी ज़िंदगी भोली अनमैरिड रह जाएगी। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से। तो फिर रामलाल कहता है कि हाँ लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि भोली क्या बोलेगी। तो फिर भोली की माँ कहती है व्हाट विल दैट विदलेस वन से। विदलेस का मतलब होता है बुद्धिहीन, जिसे किसी काम करने का सेंस नहीं हो या कम सेंस हो, उसे कहते हैं विदलेस। तो यहाँ पे भोली की माँ कहती है कि वो बुद्धिहीन लड़की क्या बोलेगी। सी इज़ लाइक डम्ब काउ। डम्ब का मतलब होता है गूंगा। तो वो कह रही है भोली की माँ भोली के लिए कह रही है कि वह तो एक गूंगी गाय के जैसी है जो कुछ नहीं बोलेगी। मे बी यू राइट मटर्ड रामलाल। मटर्ड का मतलब होता है मर्मर्ड, धीरे आवाज़ में फुसफुसा के बोलना। तो यहाँ पे रामलाल कहता है कि हाँ शायद तुम सही कह रही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कॉट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन। तो उस कोर्ट यार्ड के दूसरे साइड में भोली लेटी हुई थी, लेकिन जगी हुई थी, अपने बेड पे लेटी हुई थी लेकिन जगी हुई थी, और अपने पेरेंट्स के विस्परिंग को, वो जो धीरे धीरे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, उसे सुन रही थी। बिशंबर नाथ वॉज वेल टू डू ग्रॉसर। बिशंबर नाथ एक बहुत अच्छा सब्जी बेचने वाला है, मतलब वो ग्रॉसरी का काम करता है। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स रिलेशंस विद हिम फॉर वेडिंग। तो जब उसकी शादी होने को ही तो वो बारात लेके अपने बहुत बड़ी पार्टी लेके आया, बहुत ज़्यादा ग्रुप्स लेके आए अपने फ्रेंड्स के और अपने रिलेटिव्स को लेके आए, यानी बहुत ग्रैंड बारात लेके आया है वो शादी के लिए। अ ब्रास बैंड प्लेइंग द पॉपुलर ट्यून फ्रॉम द इंडियन हिंदी फिल्म हेडेड द प्रोसेशन। तो जो प्रोसेशन है यानी जो बारात है, इसके सबसे आगे में एक ब्रास बैंड वाला था, यानी बैंड वाला था जो हिंदी फिल्म के गाने को बजा रहा था, उसके ट्यून को प्ले कर रहा था। विद द ब्राइडग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स। और जो ब्राइडग्रूम था, जो दूल्हा था, वो एक सजे हुए घोड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ था। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच अ पॉम्प एंड स्प्लेंडर। पॉम्प एंड स्प्लेंडर का मतलब होता बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से। तो जो बिशंबरनाथ इतनी धूमधाम से इतनी बड़ी बारात लेकर आया था, इतनी लग्जरियस बारात लेकर आया था, इस वजह से रामलाल बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. यहाँ पर जो ही है ये रामलाल को रेफर कर रहा है, तो रामलाल कह रहा है कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जो फोर्थ डाउटर है उसकी इतनी ग्रांड वेडिंग होगी। भोली's elder sister who had come for the occasion were envious of her luck. Envious का मतलब होता है jealous. तो भोली की जो बड़ी बहनें थी जो उस ओकेज़न पे यानी उस शादी के ओकेज़न के लिए आई थी, वो भी भोली के लक को देख के बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करती थी। When the auspicious moment came, the priest said, bring the bride. और जब वो auspicious moment आया, जब उस शादी की पल आए, तब priest वहाँ का जो पंडित था वो कहता है कि दुल्हन को लेकर आओ। भोली क्लैड इन रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस वॉज लेड टू ब्राइड्स प्लेस नियर द स्केयर्ड फायर। स्केयर्ड फायर का मतलब होता है पवित्र अग्नि। आप देख सकते हो ये है जब हम शादी कर रहे होते हैं तो उसके आगे आग जलाते हैं और उसके किनारे फेरे लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं स्केयर्ड फायर। तो भोली को लाया गया है, वो रेड कलर के सिल्कन ब्राइडल ड्रेस पहन के आई है और उसे दूल्हे के बगल में बिठाया गया जहाँ पे फायर भी जल रहे हैं। गार्लैंड द ब्राइड वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ। तो बिशंबर नाथ से बिशंबर नाथ का एक फ्रेंड कहता है कि गार्लैंड तो ले लो, यानी माले तो ले लो, वरमाले की बात हो रही है यहाँ पे। द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड। तो जो गार्लैंड है वो येलो कलर के मैरीगोल्ड के गेंदे के फूल के गार्लैंड बने हैं और ब्राइडग्रूम ने, दूल्हे ने उस माले को लिफ्ट किया है
भोली को पहनाने के लिए अ वुमेन स्लिप्ड बैक द सिलिकन व्हील ऑफ द ब्राइड्स फेस। यहाँ पर जो व्हील है ये घूंघट को कहा जा रहा है। तो ब्राइड का जो फेस है उसके फेस से एक वुमेन ने जो वहीं पर थी शादी के वक्त उसने उसकी वजह से स्लिप कर गया ब्राइड के फेस से घूंघट। बिसम्बर टुक अ क्विक ग्लांस और बिसम्बर इसी बीच तुरंत ही एक झलक देख लिया भोली के फेस के। द गार्लैंड रिमेंड पॉइस्ड इन हिज हैंड्स। तो जो गार्लैंड था जो वरमाला था उसके हाथ में धरा का धरा ही रह गया। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द व्हील ओवर हर फेस और फिर उसका जो ब्राइड था वो जो दुल्हन थी यानी जो भोली थी वो धीरे धीरे अपने व्हील को जो स्लिप करके नीचे चला गया था उसकी घूंघट उससे अपने फेस को वापस से ढकने लगी। हैव यू सीन हर सेड बिसम्बर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। तो बिसम्बर ने अपने पास वाले साथी से कहा कि क्या तुमने उसे देखा। अब जो हर है ये भोली को रेफर कर रहा है और ये भोली के फेस की बात कर रहा है जिसपे पॉक मार्क्स लगे हुए हैं उसकी बात कर रहा है जिसे बिसम्बर ने अब देख लिया है जो पहले व्हील के वजह से घूंघट की वजह से देख नहीं पा रहा था। सी हैज पॉक मार्क्स ऑन हर फेस और फिर वो अपने फ्रेंड से कहता है कि उसके फेस पे पॉक मार्क्स है यानी चिकन पॉक्स के जो मार्क्स होते हैं जो निशान रह जाता है वो है। सो वॉट यू आर नॉट यंग आइदर। तो फिर बिसम्बर के फ्रेंड कहता है कि उससे क्या हुआ तुम भी तो बहुत जवान नहीं हो। मे बी। तो फिर बिसम्बर कहता है कि हो सकता है बट इफ़ आई एम टू मैरी हर हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज़। तो फिर कहता है कि अगर मैं उससे शादी करूँगा यहाँ पर जो आई है ये बिसम्बर को रेफर कर रहा है और फिर बिसम्बर कह रहा है अगर मैं उससे शादी करूँगा यानी भोली से शादी करूँगा तो उसके फादर को 5,000 रुपये मुझे देने पड़ेंगे दहेज के लिए। रामलाल बेंट एंड प्लेस हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिसम्बर्स फीट। तो रामलाल जो है जब ऐसा कहा बिसम्बर ने जब कहा कि 5,000 रुपये चाहिए तब मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूँगा तो ऐसा कहने पर रामलाल वहाँ से उठा और अपनी टर्बन अपनी पगड़ी को उतार के जो उसकी इज्जत थी उसे उतार के बिसम्बर के कदमों में रख दिया। डो नॉट ह्यूमिलेट मी सो टेक 2,000 रुपीज़। और फिर कहता है कि हमें बेइज्जत मत कीजिए प्लीज़ आप 2,000 रुपये ले लीजिए। नो 5,000 और वी गो बैक कीप योर डाउटर। तो फिर कहता है बिसम्बरनाथ कहता है कि नहीं 5,000 चाहिए नहीं तो हम लोग बारात वापस लेके चल जाएंगे तुम तुम्हारी बेटी को अपने पास रख लो। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज़ इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर सो माई फेस इन द विलेज। तो फिर रिक्वेस्ट कर रहा है रामलाल बिसम्बरनाथ से कि प्लीज़ आप कुछ कंसिडरेट कीजिए और फिर कहता है कि अगर आप वापस चले जाओगे तो मैं अपने गांव में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा किसी को फेस नहीं दिखा पाऊँगा। देन आउट विथ 5,000। तो जब ऐसा कहता है रामलाल तो बिसम्बरनाथ कहता है कि ठीक है तो 5,000 रुपये लेकर आओ। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस रामलाल बेंट इन ओपन द सेफ एंड काउंटेड द नोट्स। रामलाल की आंखों से बहुत ज़्यादा टीयर्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे हैं और इसके फेस पे आ रहे हैं और रोता रोता रामलाल अंदर घर में गया है वहाँ जाके अपने सेफ के पास गया अपने तिजोरी के पास गया है और वहाँ से उसने नोट्स को काउंट किए जो पैसे 5,000 मांगे थे बिसम्बरनाथ ने उसे काउंट किए। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट और उसके बाद वो जो नोटों के बंडल्स थे उसे दूल्हे के कदमों में रख दिया रामलाल ने। फिर है ऑन बिसम्बर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रायम्फेंट स्माइल। ट्रायम्फेंट का मतलब होता है जीत। तो क्योंकि बिसम्बर जो ये बहुत ज़्यादा ग्रीडी था इसके जो लालची फेस पे जब इसने 5,000 रुपये देखे तो एक जीत की स्माइल आ गई। ही हैड गैम्बल्ड एंड वन। उसने गैम्बलिंग किया था उसने ऐसा चैलेंज किया था और वो चैलेंज अब जीत चुका है। गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस्ड और फिर बिसम्बरनाथ ने अनाउंस किया बिसम्बरनाथ ने कहा कि लाओ मुझे वरमाला दो। वंस अगेन द व्हील वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउन कास्ट। अब एक बार फिर से ब्राइड के फेस से भोली के फेस से व्हील्स जो हैं उसकी जो घूंघट है वो स्लिप कर गया
पर इस बार उसकी नज़रें नीचे नहीं हुई। शी वॉज लुकिंग अप, इस बार भोली ऊपर की तरफ देख रही है। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, और वह अपने उस प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड की तरफ देख रही है जिसके लिए अब भोली के दिल में कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। इन हर आइज देर वॉज नीदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। तो यहाँ पे भोली जो विशंबर नाथ को देख रही है, तो इस समय भोली की आंखों में ना ही तो उसके लिए गुस्सा है, ना तो नफरत है, सिर्फ रिस्पेक्ट चली गई है। मतलब भोली विशंबर नाथ से ना ही गुस्सा कर रही है, ना ही उसके लिए उसे नफरत कर रही है जो उसने किया है। 5000 की जो डाउरी मांगी है उसके लिए ना उसे नफरत करा ना गुस्सा कर रही है, सिर्फ रिस्पेक्ट जो है वो नहीं दे रही है जितनी उसे मिलनी चाहिए एज ए हस्बैंड। विशंबर रेस्ड द गारलैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, इस बीच विशंबर ने गारलैंड को उठाया, उस माले को उठाया, उस हार को उठाया और ब्राइड के नेक में डालने लगा। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन इससे पहले कि वह उस वरमाला को भोली के गले में डालता, भोलीज हैंड स्टक आउट लाइक अ स्ट्रेक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इन टू द फायर। तो जब ऐसा करने लगा विशंबरनाथ, भोली के गले में वरमाला डालने लगा, तो भोली ने गुस्से में अपना हाथ उठाया और उस गार्लैंड को झटके से फेंक दिया और वो गारलैंड जाके फायर में, वहाँ पे जो आग जल रही थी उसमें जाके गिर गया। सी गॉट अप एंड थ्रू अवे द विल, और फिर वह उठ के खड़ी हो गई और अपने घूंघट को भी फेंक दी और फिर कहती है, पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर एंड लाउड वॉइस, बहुत क्लियर और बहुत तेज़ आवाज़ में कहती है, पिताजी एंड हर फादर मदर सिस्टर्स ब्रदर्स रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर, स्टार्टर्ड शॉक्ड। तो जब भोली ने इतने क्लियर और लाउड वॉइस में कहा पिताजी, तब वहाँ पे मौजूद उसके फादर मदर, उसकी बहन भाई और जितने भी रिश्तेदार थे और जो भी पड़ोसी थे, वो सब के सब बहुत ज़्यादा चौंक गए ये सुनकर कि भोली ने स्लाइटेस्ट स्टैमर के बिना यह बात बोल दी। पिताजी टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, और फिर कहती है कि पिताजी आप इससे पैसे वापस ले लो, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगी। यहाँ जो दिस मैन है ये विशंबर नाथ को रेफर कर रहा है। रामलाल वॉज थंडरस्टक, रामलाल को बहुत ज़्यादा झटका लगा ये बात सुन के। द गेस्ट बिगन टू विस्पर, और वो जो वहाँ पे गेस्ट आए हुए थे वो लोग सब लोग अपने आप में ही बात करने लग गए। सो सेमलेस, सो अगली एंड सो सेमलेस, और कह रहे थे भोली को कि बहुत ज़्यादा सेमलेस है, बेशरम है, बहुत ज़्यादा ये अगली तो है ही, साथ में ये बहुत ज़्यादा बेशरम भी है। भोली आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। रामलाल भी चिल्ला के कहता है कि भोली क्या तुम पागल हो गई हो, यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपने फैमिली की इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहती हो, हैव यू सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, क्या तुम्हें हमारे इज्जत की कोई रिगार्ड नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन। तो भोली कहती है कि आपकी इज्जत के लिए ही मैं इस बूढ़े, इस लंगड़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कंटेम्पटिबल कोवर्ड एज माई हस्बैंड, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट। कंटेम्पटिबल का मतलब होता है नीच। तो यहाँ पे कह रही है भोली कि मैं इस तरह के लालची, इस तरह के नीच और इस तरह के डरफोक हस्बैंड से नहीं शादी करूँगी, मैं इसे अपना हस्बैंड नहीं बनाऊँगी ऐसे आदमी को। आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, मैं नहीं बनाऊँगी ऐसे आदमी को अपना हस्बैंड। और फिर आई वॉन्ट कह रही है, फिर कहती है वॉट अ सेमलेस गर्ल, ऑल थाउट सी वॉज हार्मलेस डम काउ। तो फिर वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि कितनी ज़्यादा बेशरम लड़की है ये, हम लोग तो समझते थे कि ये एक हार्मलेस, किसी को ना नुकसान देने वाली एक गूंगी गाय के जैसी है। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, अब जो ये सब वर्ड है ये एक ओल्ड वुमेन कह रही थी, और जब ऐसा कही है तो भोली इसकी तरफ पलटी है और पलट के देख रही है, फिर कहती है यस आंटी यू आर राइट, आप सही कह रही हो, यू ऑल थाउट आई वॉज डम व ड्राइवन काउ, आप सबको ये लगता था कि मैं एक गूंगी गाय हूँ, डैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर दिस हार्टलेस क्रिएचर,
और इस वजह से आप लोग चाहते थे कि इस बिना दिल वाले क्रिएचर से, बिना दिल वाले इंसान से मेरी शादी करवा दो। बट नाउ द डम्ब काउ द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग। और फिर भोली कहती है, लेकिन अब ये जो गूंगी गाय है और ये जो लड़खड़ाती हुई बेवकूफ़ सी लड़की है, ये बोल सकती है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या तुम और सुनना चाहती हो? यहाँ पे जो यू है ये उसी ओल्ड वुमेन को रेफर कर रहा है जो बोली थी ये लाइन। बिसम्बर नाथ द ग्रॉसर स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी। पार्टी यहाँ पे है बारात। तो बिसम्बर नाथ जो कि एक ग्रॉसर है, ये अपने बारात को लेकर वापस जाने लगा। द कन्फ्यूज बैंड्समैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्टक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग। अब जो बैंडमैन थे, जो उसके साथ बैंड लेकर आया था, वो जो बाजे बाजे लेकर आया था, वो लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए कि कहीं ये सेरेमनी ख़त्म तो नहीं हो गया है ना। और इसी कन्फ्यूज़न में ही उसने क्लोजिंग सॉन्ग बजा दिए। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड। रामलाल जहाँ पे खड़ा है वहीं पे एक ही जगह खड़ा रह गया, सॉक्ड हो गया वो बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा था कि मानो वो जम गया है। हिज हेड बोर्ड लो, उसकी सर भी नीचे हो गई थी। विद द वेट ऑफ ग्रीफ, उदासी और शर्म के वजन से उसका सर झुक गया था। द फ्लेम्स ऑफ द स्केयर्ड फायर स्लोली डाइड डाउन, जो पवित्र अग्नि थी उसके फ्लेम्स, उसकी आग जो है वो भी धीरे धीरे बंद हो गई, बुझ गई। एवरी वन वॉज गॉन, सब के सब चले गए। रामलाल टर्न्ड टू होली एंड सेड, रामलाल भोली की तरफ मुड़ता है और उसे कहता है, बट वॉट अबाउट यू, लेकिन अब तुम्हारा क्या? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई भी कभी शादी नहीं करेगा। वट शैल वी डू विद यू, हम लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे? एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस डैट वॉज काम एंड स्टडी। तो सुलेखा बहुत ही काम और बहुत ज़्यादा स्टडी वॉइस में कहती है, डोंट यू वरी पिताजी, आप परेशान मत होइए पिताजी। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वे आई लर्नड सो मच। तो फिर जब इतना ज़्यादा वरीड होने लगा रामलाल, इतना ज़्यादा परेशान होने लगा इसकी शादी टूट जाने की वजह से, तो सुलेखा कहती है कि आप परेशान मत होइए पिताजी, मैं यहाँ रहकर आपके ओल्ड एज में आपकी और माँ की हेल्प करूँगी और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। इजंट दैट राइट मैम? तो ये जो मैम है ये वहाँ पर वही स्कूल की टीचर है, उसी प्राइमरी स्कूल की टीचर है जिसने इनकरेज किया था भोली को। तो इससे भोली कहती है कि मैं सही कह रूँ ना मैम। द टीचर हैड ऑल अलॉन्ग स्टूड इन द कॉर्नर, टीचर भी उन सब के साथ कोने में खड़ी थी वॉचिंग द ड्रामा, और ये जो ड्रामा हो रहा था, ये जो शादी टूटी है और ये जो शादी हो रही थी, ये सारी चीज़ों को देख रही थी। यस भोली, ऑफकोर्स सी रिप्लाइड। अब जहाँ पर सी है ये टीचर को रेफर कर रहा है, तो फिर टीचर कहती है कि हाँ भोली तुमने सही कहा। एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन, और उनकी जो आइज थी वो भी स्माइल कर रही है। स्माइल कर रही है यहाँ पे कहने का मतलब कि उनकी आँख में बहुत ज़्यादा खुशी नज़र आ रही थी, एक सेटिस्फैक्शन नज़र आ रहा था, एक संतोष नज़र आ रहा था कि एन आर्टिस्ट फील वेन कंटेम्पलेटिंग द कॉम्प्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस। तो वो खुशी ऐसे थी कि मानो कोई आर्टिस्ट है जो अपने मास्टरपीस को बनाता है और उसे कंप्लीट होता हुआ देख के जितनी खुशी उसे मिलती है, उतनी ही खुशी यहाँ भोली के टीचर को मिल रहा है। क्योंकि एक टाइम पे भोली बोल नहीं पाती थी और आज इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई है इसके टीचर के सिखाने की वजह से कि आज ये अपने पैरों पे खुद से खड़ी होने के लिए रेडी है और अपने मदर और फादर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। तो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील होता है, सेटिस्फैक्शन की खुशी नज़र आती है भोली के टीचर में। के अब्बास के द्वारा यह चैप्टर को लिखा गया था और यहाँ पे आपका यह चैप्टर होता है ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।